दोस्तों आप रामायण के बारे में तो सुने ही होंगे। राम और रावण में बुद्धिमान कौन था? रावण बड़ा पंडित था। धनवान कौन ज्यादा था? रावण सोने की लंका। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। कुबेर भी इनके यहाँ पानी भरते थे। काल को पाए से बांध रखा था। काल को पाए से बांधना मतलब समझते आप, उसके इच्छा के बगैर। उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी का भी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उम्र में कौन बड़ा था? रावण। भगवान के सबसे बड़ा भक्त कौन था? रावण। रावण बोलते थे, मुच्छा पंडित मुच्छा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। इतना बड़ा पुजारी तो श्री राम भी नहीं थे। अगर सब में रावण बड़ा था तो कौन सी ऐसी शीश थी जिसमें श्री राम बड़े थे? और इतना बड़े हो गए कि रावण की श्रेष्ठता थरी की थरी रह गई। केवल एक शीश थी, चरित्र श्री राम की चरित्र। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाला है मशीन की जो शॉर्ट कैपेसिटी होती है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसकी एक शॉर्ट कैपेसिटी होती है। वो शॉर्ट कैपेसिटी होता क्या है, इसको हम इंजेक्शन कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो ये होता कि एक्चुअल में क्यों काम आता है, किस बात के हम इसको बनाते हैं, क्यों जरूरी होता है शॉर्ट कैपेसिटी निकालना। तो शॉर्ट कैपेसिटी निकालना बहुत जरूरी होता है। कोई भी आप मोल्ड बनाते हो, जो मोल्ड होता है वो कितना टन में चलेगा, तो मोल्ड का जो टनेज बनाया है कैसे निकालते हैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा हो, वो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें जो है मोल्ड की टनेज वगैरह निकालना मैं सिखा रखा हो। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अगर मान लो 150 टन की मशीन है या 200 टन की मशीन है या 120 टन का मशीन है, उस मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये सारा फॉर्मूला जो है आज मैं बताने वाला हूँ। फॉर्मूला नहीं, आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो आप डायग्राम देख पा रहे हो, पहले आपको डायग्राम में समझाऊंगा एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे। उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करके बनाएंगे कैसा होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना ये होता है, तो शॉर्ट कैपेसिटी होता है या आपका इंजेक्शन कैपेसिटी होता है एक्चुअल में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। अगर इसका मैं डेफिनेशन बोलूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, आपकी जो ये स्क्रू है और आपका जो बैरल है, ये बैरल के अंदर की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ ए मटेरियल कैन बी इजेक्टेड, इसकी वॉल्यूम कैन बी इजेक्टेड, इजेक्ट करें कहाँ से, थ्रू नोजल, नोजल के थ्रू हम जिसको इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट कौन करेगा, ये स्क्रू, बेसिकली स्क्रू भी होता है और प्लांजर भी होता है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है प्लांजर भी होता है, स्क्रू होते हैं। बट आजकल जो है मोस्ट ऑफ द काम जो होते हैं आपके स्क्रू से काम होता है, ठीक है। प्लांजर से बेहतर होता है स्क्रू, ठीक है। अलग अलग टाइप का स्क्रू होता है, तीन जोन होता है स्क्रू में, जिसको भी पता है स्क्रू का जो तीन जोन होता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, ठीक है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है, जो स्क्रू होते हैं, जैसे हम इसको स्क्रू बनाते हैं ना, ये स्क्रू जो होती है इसकी तीन जोन होता है, वो तीन जोन क्या क्या है अपना कमेंट सेक्शन में डाल दे, तो मुझे पता लग जाएगा लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड बाय द स्क्रू, ये वॉल्यूम है जो मेटल है उसकी वॉल्यूम है या उसकी वेट है, कैन बी इंजेक्टेड वन साइकिल टाइम, मतलब एक साइकिल टाइम में कितना मेटल जो है, कितना वॉल्यूम जो है इंजेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी, ठीक है। शॉर्ट कैपेसिटी को हम किस में बोलते हैं, शॉर्ट कैपेसिटी होते हैं हम इंजेक्शन कैपेसिटी या फिर मशीन भी बोलते हैं, जो इंजेक्शन कैपेसिटी होते हैं इसको भी हम शॉर्ट कैपेसिटी बात करते हैं, बोलते हैं। अब हम आते हैं डायग्राम पे, ठीक है। अब जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है, इसकी जो डायग्राम होता है, बेसिकली ये डायग्राम है, आपको डायग्राम एक बार थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन से जाने से पहले आपको डायग्राम नहीं समझ पाओगे तो बहुत कुछ चीजें आप मिस कर दोगे। देखो हमेशा जो मशीन होता है, मशीन में हमारा जो क्लैंपिंग यूनिट होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, और इंजेक्शन यूनिट किस साइड होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। अब जो क्लैंपिंग यूनिट होता है, क्लैंपिंग बेसिकली टू टाइप का क्लैंपिंग होते हैं, एक होता है आपकी टॉगल क्लैंपिंग, जैसे यहाँ पे मैं टॉगल बार क्लैंपिंग वगैरह यूज कर रखा हूँ, एक होता है आपका हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, ठीक है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेटेड होते हैं, बेसिकली टॉगल और हाइड्रोलिक हम दो टाइप का यूज करते हैं। फिर इसमें मोल्ड होता है, ठीक है। अब मोल्ड के साथ जो ये होता है, जैसे हम मोल्ड में जो अंडर जो हम लोग जो होती है नॉकआउट रॉड देते हैं, नॉकआउट रॉड कौन कौन चलाता है, बेसिकली टॉगल क्लैंपिंग तो कराता है कि नहीं। तो जो टॉगल क्लैंपिंग होती है, क्लैंपिंग बहुत जरूरी होता है, तो इसको हम किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। अब जो मोल्ड होता है, उसके बाद होता है ये इंजेक्शन यूनिट, ये जो पूरा यूनिट होता है ना, इसको हम इंजेक्शन यूनिट होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है आपका हॉपर, जहाँ से आप मेटेरियल डालते हो, ठीक है। उसके बाद ये मोटर होता है जो स्क्रू को घुमाता है, ये हीटर होता है जो बैरल होता है इसके बाहर जो होता है हीटर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद वाल्व होता है, थर्मोकपल होता है, कितना आपका हीटर जो होता है कितना हील हो रखा है, सेंसिंग थर्मोकपल लगाते हैं हम उसमें। ये आपका मोल का टाइबार है जो क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं, मतलब बाउंड्री में टॉगल बार लगाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका, जो ये देखो इंजेक्शन यूनिट हो गया जो मैंने आपको बताया था, जो हमने नॉकआउट रॉड लगाते हैं, जो आपकी टॉगल क्लैंप होती है या हाइड्रोलिक क्लैंप होती है, नॉकआउट रॉड से इंजेक्शन काम होता है। तो ये सारा चीजें हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म में बता दिया। अब ये जो मेरा स्क्रू है, जो इंजेक्शन यूनिट है, इंजेक्शन यूनिट को, ये जो आपका
बैरल है, बैरल से ये जो स्क्रू है, स्क्रू अगर ओपनिंग कंडीशन में है, मतलब स्क्रू ओपन है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन है, तो आप देखोगे ना, तो ये मेरा स्क्रू जो है ना मैक्सिमम ओपनिंग एरिया में, यहाँ से और ये ओपन नहीं होगा। जब इसको मैक्सिमम एरिया होता है तो यहाँ से ये जो लेंथ होता है ना, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम मेरे वो काम का है। जब मैं शॉर्ट कैपेसिटी निकालूंगा ना, तो मुझे ये वॉल्यूम जो है मेरा काम का है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, फॉर्मूला में जैसे हम लोग का शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बैरल। अब ये तो बैरल तो पूरा है, अब इस बैरल का तो हम पूरा वॉल्यूम तो नहीं ले पाएंगे ना, इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द बैरल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बैरल मतलब जब आपका स्क्रू ओपन कंडीशन में होगा, ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है। आप देखो क्लोज कंडीशन में होगा ना, तो ये जो आपका स्क्रू है यहाँ पे टच होंगे, ठीक है, ये क्लोज कंडीशन में है। अभी ये जो अपना ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे ओपन है, ये आप देख पा रहे हो ना, ये आपका मटेरियल है, तो प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हो हम बेसिकली। ये जो मैं कैलकुलेशन कराऊंगा इसमें मैं ABS का कराऊंगा, ठीक है, कौन सा मटेरियल का कैसे शॉर्ट कैपेसिटी निकाले, हर एक मटेरियल का अलग अलग शॉर्ट कैपेसिटी होता है, तो इसमें वीडियो में ये बताने वाला हूँ कौन सा मटेरियल जो है कितना शॉर्ट कैपेसिटी का होता है और कैसे निकालोगे सारा फॉर्मूला से। तो आपको ये दिखना है मेरे को वॉल्यूम पता लग गया कि ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूला में, वॉल्यूम ऑफ द बैरल, वॉल्यूम ऑफ द बैरल, वॉल्यूम निकालने से पहले क्या चाहिए मेरे को, एक तो मेरा उसकी डायमीटर चाहिए, रेडियस चाहिए, जो बैरल है उसका मुझे डायमीटर रेडियस चाहिए, ठीक है, डायमीटर मिल गया मुझे रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और पाई का वैल्यू मुझे पता है। उसके बाद मुझे इसकी हाइट चाहिए। अब हम बात करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट ये जो है, ये जो आपका रेडियस है, इसको हम लेते हैं, मैं यहाँ पे जो है 25 का ले रहा, मतलब 50 डायमीटर का ये बैरल है, डायमीटर कितना है 50, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलिंड्रिकल कंटेंट के अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, आर का वैल्यू 50 हो गया डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 स्क्वायर हो गया इट्स हाइट। अब हाइट क्या होता है, हाइट ये होता है, ये जो सिलेंडर है ना, ये स्ट्रोक लेंथ कितना है, ये जो मेरा स्क्रू है मैक्सिमम कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे हाइट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा 250 mm जो है स्क्रू मेरा ट्रेवल होगा। अगर मेरा यहाँ पे स्क्रू ओपन कंडीशन में है, अगर ये क्लोज कंडीशन में जाएंगे ना, इसका जो स्ट्रोक होगा 250 mm है, 250 mm है, ठीक है, तो 250 mm मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू हाइट, तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा बैरल का। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, एच हो गया मेरा हाइट, ठीक है, तो एच मेरा यहाँ पे हाइट हो गया। तो मैं इसको अगर वॉल्यूम निकालता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, पाई का क्या होता है 3.14 होता है, आर स्क्वायर हो गया 25, एच 250 mm, यहाँ से मैं एज्यूम कर लेता 250 mm। अगर आपके पास स्क्रू है तो आप उसको प्रैक्टिकली जो मशीन जो स्पेसिफिकेशन होता है ना, जब आप मशीन लेते हो उसकी एक अलग सा बुकलेट होता है, वो बुकलेट में आपको मिल जाएगा जो पर्टिकुलर मशीन होता है उसके आपके कितना होंगे, आपकी बैरल का डायमीटर कितना है और स्ट्रोक लेंथ कितना है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, बैरल का आप उस हिसाब से निकाल सकते हो स्क्रू के साथ। तो अब देखो, अब मेरे को डेंसिटी चाहिए, अब उनकी डेंसिटी, अब डेंसिटी किसका, डेंसिटी लोगे जो प्लास्टिक मटेरियल आप यूज करते हो उसकी डेंसिटी चाहिए। अब प्लास्टिक मटेरियल का, हर एक प्लास्टिक मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग होता है, वो डेंसिटी आप कैसे पता करोगे, डेंसिटी जो डेंसिटी होता है ना उसको पता करने के लिए आपको डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूं मैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल में मिल जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी इन NX या प्लास्टिक, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। फिर भी अगर मुझे शॉर्ट में बताओ, जैसे मैं ABS का डेंसिटी ले रखा हूँ क्या 1.075, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, बहुत सारा मिलती है आपको ग्राम पर mm में मिलता है, लेकिन आपको ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं जो ये डेंसिटी है मेरा कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैं ले रखा हूँ। अगर मैं PP का लूंगा तो मेरा कितना होगा 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं PC का लूंगा तो कितना होगा 1.2 हो जाएगा, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं पॉम का लेता हूँ तो कितना होगा 1.415 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मैं लाइलन का लेता हूँ, जैसे मैं PA का लेता हूँ, 66 का लेता हूँ, 6.6 का लेता हूँ ब्लास्ट फाइबर के साथ, तो उसका कितना बनेगा 1.35। अब ये चीज़ें मैं कैसे बता रहा हूँ, इसकी चार्ट होता है, जिसको भी ये चार्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में अपना मेल ID डाल दो। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये प्रैक्टिकली, क्योंकि हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो वो सारा चीज़ें मैं PDF बना के रखा हो, जिसको भी चाहिए अपना कमेंट सेक्शन में मेल ID डाल दो, वहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, इसी तरीके से कैलकुलेशन वगैरह जो भी वीडियो डालते रहते हो आपको रिसीव होते रहेंगे। अलग से ग्रुप बना कर रखा हो, वहाँ पे ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ, तो वहाँ पे जो भी वीडियो बनाते रहता हूँ वहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है, एडवांस मोल्ड डिजाइनिंग, टाइप डिजाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेस है ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि डेंसिटी निकालना है, ठीक है।
तो हर एक प्लास्टिक मेटल का अलग अलग डेंसिटी होगा। तो ये जो मैं ABS का डेंसिटी ले रखा हूँ, तो देखो अब कहानी मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों लिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका एरिया आएगा, एरिया मतलब आपका रेडियस, ठीक है, रेडियस स्क्वायर मतलब एमएम स्क्वायर में आ जाएगा, इनटू एच हाइट, हाइट भी आपका एमएम में है तो क्या हो जाएगा एमएम क्यूब में आ जाएगा। अब ये जो एमएम क्यूब में आता है ना, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट क्यों करूंगा, मैं सेंटीमीटर क्यूब में इसीलिए कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जिसको इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको मैं एलिमिनेट कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले जाऊंगा। क्लियर है? अब देखो, अब मेरा यहाँ पे एमएम क्यूब है और यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एमएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कभी मिलेगा नहीं, तो इसको जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 490625 निकल के आता है, ठीक है, एमएम क्यूब, क्योंकि तीनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन करा। अभी इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करा। अब ये जो ABS का डेंसिटी है 1.075 का आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इधर सेंटीमीटर क्यूब है, इधर एमएम क्यूब है, इसको मैं एमएम क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले जाऊंगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले जाऊंगा ना, इसको 100 से नहीं 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से यहाँ पे डिवाइड करते हो ना, तो आपका निकल के आते 490.625 इनटू डेंसिटी 1.075। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को मैंने काट दिया। अब जो मेरा मशीन की जो मैं जिस मशीन का मैं यहाँ पे डायमीटर निकाला, मैंने इसका एथ निकाला, उसकी मुझे सॉफ्टवेयर कितना निकल गया, 5.2542 अराउंड जो है 530 ग्राम का ये इसका शॉर्ट कैपेसिटी है। तो कोई भी मशीन हो, आपको क्या चाहिए, मेटेरियल चाहिए, जो मेटेरियल यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर डेंसिटी चाहिए। प्रॉपर डेंसिटी कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, जो मशीन जितना तन की मशीन यूज करते हो उस मशीन की हर एक क्या होता है, एक आपका बुकलेट होता है, उस बुकलेट को निकालो, वहां पे मशीन की क्या मिलेंगे, बैरल का डायमीटर मिल जाएंगे, कितना बैरल का डायमीटर है, और ओपनिंग और क्लोज का जितना उसकी ट्रेवल एरिया है, ठीक है, मतलब इसकी हाइट, ये क्लोज कंडीशन और ओपन कंडीशन दोनों में कितना लेंथ है, ये आपको पता करना है। उसके बाद कोई भी मशीन हो आपके पास, कैसा भी मशीन हो, 200 टन, 250 टन, 180 टन, 150 टन, 120 टन, 90 टन, 7 टन, कोई भी मशीन हो, उसके आप शॉर्ट कैपेसिटी या इंजेक्शन कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा सारा चीजें आपको जो है प्रैक्टिकली समझाओ कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये सारा चीजें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारा चीजें आपको हर एक जगह में काम आएंगे, ठीक है। इसको भी ये PDF वगैरह सही है, आप जो है मेंबरशिप ले सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेल डाल दोगे, जैसे 10-15 एक साथ सब हो जाएगा जवाब, मैं एक साथ जो है सबको मेल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे यहाँ पे PDF दे देता हूँ ना, वहाँ पे एक्सेस का इतना मेल आता है मेरे पास कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, लगभग 700-800 जमा हो जाता है ना, तो कितनों को मैं एक्सेप्ट करते रहूंगा, और बाकी मेरा मेल जो है वो उससे फुल हो जाता है। तो आप लोग जो है कमेंट आईडी में अपना मेल डाल देना, जिसको भी मेंबरशिप लेना है, मैं ग्रुप बना के रखा हूँ, तो ग्रुप में जो है मैं आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आपको जॉब के लिए चाहिए, जॉब के लिए भी है, कैलकुलेशन एंड थ्योरी के लिए चाहिए उसके लिए भी मिल जाएंगे, क्लासेस के लिए अलग है, तो हर चीज़ें अलग से अलग से बना रखा हूँ, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे। और जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से क्लास वगैरह मैं लेता रहता हूँ। आज का वीडियो इतना रखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया है, किसी को कुछ चीज़ें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।